करना है? चट्टा 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 की तरह कोई बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं घर वालों का रिएक्शन देखेंगे। आज के ब्लॉग में फिलहाल मैं ये करने वाली हूँ और बहुत से लोग जो है ना वो यस चैलेंज का मुझे कॉमेंट्स की जा रहे हैं। आप ही और अरी भाई के साथ मैं यस चैलेंज करूँ तो वो बोल रहे थे कि हम थोड़ा बिजी है, जैसे उनका कोई टाइम बाय बनता है ना तो फिर हम यस चैलेंज भी कर लेते हैं। मेरी तरफ से सीन डन है, उनकी तरफ से डिले आ रहा है। चलते हैं जाकर के नाश्ता करते हैं, उसके बाद कारोबार स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। गुड मॉर्निंग मम्मी। नीचे आते जाओ तो पार्सल की ढेरी वेट कर रही होती है हमारी। यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी। एग्जैक्टली ये पार्सल जो है ना जैनब को है। एक ये शर्ट है, ये दूसरी शर्ट है। ये तो लग रही पापा को बढ़िया आएंगी। मामा जी आजकल के जो बच्चे हैं ना ये ओवर साइज शर्ट ही पहनते हैं, खुली डुली हवा जानी चाहिए अंदर। या तो बहुत छोटे तो या बहुत बड़े, यही ट्रेंड है। तीसरी शर्ट ये, चौथी शर्ट ये कोपड़ी नहीं दिल बना हुआ है, पांचवी शर्ट ये। तूने सारी की सारी शर्ट काली चिट्टी मंगवाई है, इसके अलावा कुछ नहीं मंगवाया। छठी शर्ट है भाई ये, सातवीं शर्ट जैनब की ये है। ऐसा नहीं है कि ये शर्ट सिर्फ जैनब अकेली की है, ये शर्ट सारी बहनों की है। सब बहनों की होगी। कपड़े नहीं तो रखन नु जगह नहीं। हर लड़की का मामा यही डायलॉग होता है, एक दिन सारी चला लूंगा। तुम लोग अपनी बारी शर्ट नहीं पहनते मेरी, तुम वैसे भी पहन लोगी मेरी परमिशन के बिना। मजेदार सा पराठा तो इधर बन रहा है भाई का, हम बनाते हैं ऑमलेट। आज का ब्रेकफास्ट है पराठा और साथ में अंडा। न्यम 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 न्यम। तो यार अब सीन कुछ ऐसा है कि हिरा जो है ना मामा को सिखाने गई हुई है गाड़ी। मामा को आजकल वो ड्राइविंग सिखा रही है, आप लोगों को तो पता है। और राबिया जो है वो यूनिवर्सिटी है। मैंने अपनी एक बहन के साथ जो है ना वो डक टेप चैलेंज करना था, यानी उसको पूरा कुर्सी के साथ टेप के साथ बांधना है। और तूने अपने आप को एस्केप करना है, यानी तूने खुद ही अपनी टेप पे खोल के निकलना है। मतलब तशद्दुद कर रही है। टेप शेप मैंने मंगवा ली हुई है, कुर्सी खाली कर और बैठ ऊपर, इसको टेप से बांधेंगे। बांधना जो है तुझे फुल हैवी है ताकि तू भाग ना सके। मैं आप लोग परेशान हो रहे होंगे, कुड़ियां तो घर से मोटरसाइकिल की लाइन आ गई, ये हमारे ड्राइवर अंकल की मोटरसाइकिल थी। ड्राइवर अंकल हमारे छुट्टी कर चुके हैं हमें धोखा देके। हर किसी के ऐसे ही करते हैं। ये पकड़ लो, मैं खुद बांध लेता हूँ अपने आप को। मैं खुद बांध लेता हूँ। छितर जुतियाँ बस करो, बस तो अड्डे पे है। जैनब की एक टांग पे जो है टेप लगा दी है, अब इस टांग पे बाजुओं पे ऊपर इसको पूरा रैप अप करना है हमने। यही मेरी फेवरेट गेम होती थी बचपन में। खड़ी हो जरा, खड़ी हो। हाँ बाजू बांधते हैं हम लोग, बाजू के अंदर से बन की तरह निकल रहे हैं। हाथ भी हाथ सब कुछ बनेगा, रहम बिल्कुल नहीं होगा तेरे पे, कोई हेल्प नहीं। तेरे मुंह पे कितना बांधना है, जितना बोलने अभी बोल ले, इसके बाद बोलने का मौका नहीं मिलेगा। मुंह पे बांध रही, मुंह बंद रख। सांस तो आ रहा है ना, पता लगे कुड़ी नु सा ही नहीं आंडिया कर ले, मैं चितरा चितरी कर दवा। नहीं आ रहा, बस चुप चुप, अब बोलना नहीं है। सिर्फ मुझे सुन सकती है और कुछ बोल नहीं सकती। अभी मैं फोड़ती हूँ सरप्राइज, वो ये है कि मैंने जैनब को टेप के साथ रैप करके इसको टॉर्चर करना है। अब तू कुछ बोल भी नहीं सकती, तू देख मैं तुझे किन किन चीजों से टॉर्चर करती हूँ। क्या क्या सुनाई तो बिल्कुल नहीं दे रहा। सुनाई नहीं दे रहा मेरे को। सबसे पहले टॉर्चर जो है ना वो जैनब का ये है। ठंडे ठंडे पानी से, वैसे भी तू नहाती नहीं है, नहाना चाहिए। टॉर्चर का बोला, अब अगला टॉर्चर लेके आते हैं। आज तक गिन गिन के बदले उतारूंगा। ये पाउडर है, ये फेंकना है हमने भाई जैनब के ऊपर। रेडी रह काके, तूने मेरे लालच में आ भी कैसे गई। ये सही टका के टॉर्चर हो रहा है कि ये देख, ये सही रज के मजा आ गया। पता नहीं क्या कही जा रही है, जो के मेरे कानों को सुनाई बिल्कुल भी नहीं दे रहा, मेरे सुनने की क्षमता चली गई है। ओके हो गया, ओके हो गया। अगला टॉर्चर ये है कि हम जैनब के बाल काटने लगे हैं। अब ये देखो भाई, पीछे से जूड़ा काटेंगे अब इसका हम। कैंची से काटेंगे अब जैनब के बाल। चट्टा 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 चल, सारा गिन गिन के बदल लूंगा और आज तेरा मोबाइल भी चेक करूंगा। बालों पे, लड़कियां अपने बालों से बहुत मोहब्बत करती हैं। अभी तो और मिट्टी भी है हमारे पास। मजो ही मजो। तो अभी बाकी टॉर्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। इतनी आसानी से हम कैसे कुछ कर
छोड़ देगा, इधर देख, इधर देख लाले। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, लाल मिर्ची नहीं फेंक रहे वो एक्सट्रीम हो जाएगा, टिंट फेंकते हैं इसके ऊपर ताकि घर वाले जब आकर देखे ना तो उनको लगे कि इसका वाकई किसी ने किडनैप कर रखा था। ये आए हाय हाय, सही जख्म लग रहे हैं, चोटें पहुंची हुई है, टॉर्चर हुआ हुआ है। इधर देख तू बहादुर है, नाक की हड्डी भी टूटनी चाहिए तेरी। मैंने को हमने फुल लालो लाल टॉर्चर भी दे दिया। ये देखो भाई पूरी शक्ल पे ऐसा लग रहा है किसी ने मारा हुआ है। बस चुप चुप चुप, तुझे भी बोलने का टाइम नहीं है। ये मुझे जितनी गालियाँ देगी जो भी देगा वो हमारा बाद का सीन है। अब लेकर आते हैं इसका मोबाइल और इसकी चैट्स पढ़ते हैं। हाँ देख लूंगी तेरा कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं। दिस क्या तुझे इस टॉर्चर के बाद प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए कि नहीं? जो तू कहेगी तुझे खरीद के दूंगी कोई सी एक चीज, तो उसके लिए तुझे मेरा एक काम करना होगा। वो ये है कि जब घर वाले घर के अंदर एंटर होंगे आते साथ वो हैरान हो जाएंगे कि तू ऐसी क्यों है। तूने कहना है कि सब मेरे घर कोई लड़की आए थे उन्होंने ये हाल किया। अगर तू एक्टिंग बहुत अच्छे से करेगी तो मैं तुझसे वादा करती हूँ कि अभी के अभी तुझे मॉल लेकर जाऊंगी, जो तू कहेगी कोई सी एक चीज तुझे खरीद के दूंगी चाहे जितनी मर्जी महंगी हो। ठीक है, बैठ के साथ मेरी पिटाई की और मेरा ये हाल हो गया, डील डन। चल हिलना मत और अपनी एक्टिंग अच्छी करना अगर प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए। ये दरवाजा भी हमने खोल दिया हुआ ताकि घर वालों को ये ना लगे कि दरवाजा तो बंद है, उसको कौन मारपीट गया है। हम बैट के ऊपर भी थोड़ा सा टिंट लगा रहे थे ताकि जिस बैट से जैनब की ठुकाई हुई है उस पर भी तो थोड़ा खून छून लगना चाहिए कि नहीं। ये लो भाई टिंट लग गया इधर भी। मैं सब कुछ जो है ना वो उस कोने से रिकॉर्ड करूंगी, जो है ना यहाँ से रिकॉर्ड करेंगे, बस पकड़े ना जाए। आ ही नहीं रहा यार कोई। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर खून नहीं है, टिंट है, टिंट बाहर आ गया। मेरे को पता नहीं क्या कर दिया तुमने। तू ना वैसे रियल थप्पड़ों की कमी है। एक मिनट उसके सर को गलती तो फिर फातिमा के लिए जैनब के लिए कुछ अलाउ क्यों किया उसको? मैंने लाने के लिए जबरदस्ती किया मेरे साथ। साफ यहाँ से दिख गई होंगी मुझे, कहीं और छुपना चाहिए था। खून फेक टिंट है, कोई भी ब्लॉग इस टिंट और खून से के अलावा कुछ बनता है? चैनल पे 200 वीडियोस पड़ी हैं, उनमें से कोई दो होंगी खून वाली, बाकी सारी खून के बगैर वाली। ये तो टॉर्चर डे था आज उसका। मैंने कहा था पिक्चर लेनी है, ये बांध के से मेरे मुंह में पानी फेंका ना तब मेरी चीखें निकली। इसको देख कितना खौफ नहीं है, जिसको जितना इसको देख डंडे से मार पड़ी है। क्या लगा जैनब को मार रहा है उन्होंने और मैं एकदम से डर गई। तो मारा था ना फातिमा के ना मुंह पे लिख दो गंदी लड़की, हर गंदा चैनल पे उतारो। गर्मी देखो ये इसका खुद का चैलेंज है, एस्केप इसे खुद करना है। जल्दी कर, हाँ 1 2 3 टाइम स्टार्ट हो जा। कर सफाई की तो कमिटमेंट फातिमा ने की नहीं ला, ये तो इसने खुद ही एस्केप कर दिया। चोट चोट लग जाती है बंदे को। नहीं तुम्हें हेल्प नहीं करने को कहा, तुम्हें हेल्प नहीं करने को कहा तुम यार। मत करो, गर्मी देखो कितनी है यार। इसके बदले से मिलेगा क्या प्रिंसेस ट्रीटमेंट? ऐसी ऐसी कुत्तों की तरह ट्रीट हो फिर प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए बड़ी यार। ये मैं इसकी हेल्प करती हूँ जरा। नहीं तूने हेल्प करनी ही नहीं है, तुझे किसी ने कहा है? बस कर दे यार। नहीं तुझे खुद लगी है वो नीचे से, मैंने नहीं मारी जा यार। मैं बहाना जा रही हूँ, मेरा तुम बुरा हशा करोगी, जल्दी करो जैनब, मुझे उस पे तरस आ रहा है बेचारी पे, तुमने मेरे साथ। मैंने खुद फुल एस्केप नहीं हो सकी इसीलिए मैं जो है कैंची से इसकी मदद करने आई हूँ। अच्छा ये भी खुल रहा है इससे, हट जा हट जा हट जा। ला आजादी, आजादी मुबारक, ये आजादी मुबारक। खड़ी हो जा खड़ी हो जा, खड़ी होना एक बहुत बड़ी नेमत है। डांस तो कसम से पूरी की पूरी जुम्बा लग रही है। चल के दिखा, चल के देख रही है।
बच्चे चीज मिल रही है। ये ज़ैनब को जो है हमने इसके पीछे छुपा दिया, बच्चे आएंगे ना फौरन से निकलना है ज़ैनब आगे। छोड़ दे छोड़ दे, उसकी माँ तुझे बाद में छोड़ेगी नहीं। मट्टी आ गई है ना, सर में ऐसे हाथ तो मारो। हाय मट्टी, नहा धो के सोनी बेटी बन के आ, उसके बाद तुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलेगा। किचन में आई हूँ तो आज जो है मेरी मम्मी बना रही है करेले, इतने कड़वे करेले। हाय 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 करेले, आए हाय करेले 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 करेले। आज तो खूब नाराज है मम्मी मेरे से, बाजू दबवाने हैं, टांगे दबवानी है, सर दबवाना है, क्या और इतना मोटा घर पे आया, तरबूज भी आया पड़ा है। क्या खुशबू दे रहे हैं ये मजेदार से करेले। न्यम न्यम न्यम। यार अगर आपको नेक्स्ट टाइम भरे हुए करेलों की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में आप लोगों ने जरूर बताना है कि भाई करेले 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 रेसिपी रेसिपी रेसिपी, तो हम अगली बार भरे हुए करेले बनाएंगे और आप लोगों के साथ रेसिपी जरूर शेयर करेंगे। आर यू रेडी? क्या खरीदना है अब मुझे समझ नहीं आ रही, जाके देखूंगी कि क्या खरीदना है। प्यारी तो बन चुका हूँ यार। जैनब को मॉल में ले आई हूँ और जैनब ने अब कोई सी एक चीज जो है ना वो सिलेक्ट करनी और लेनी और मेरा खर्चा करवाना है। जल्दी सोच, मॉल बंद हो रहा है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या लूँ, कपड़े कपड़े तो मैं घर वालों जल्दी जल्दी टाइम नहीं है। नहीं नहीं एप्पल नहीं है, जल्दी बोल। क्या लूँ? नहीं समझ आ रहा, चल घर चलते हैं। नहीं चल घर चलते हैं। क्या लूँ मुझे? हाँ अब समझ ही नहीं आ रहा क्या लूँ, इतना कुछ पड़ा हुआ, इतने कपड़े हैं, इतनी चीजें हैं, इनमें से कोई एक चीज उठा लो फौरन से। यार तुमसे ये नहीं हो रहा? ऑनलाइन तो बेटा तुम चप्पल लेनी है, जितने दी खोती उतनी आन खलोती। चप्पल ले रही हो? आर यू श्योर? ये तो बोने लोगों के लिए, क्योंकि इसके थोड़ी सी हिलचिल लगी हुई है। ये पहन के तो मैं बुर्ज खलीफा भी चढ़ सकती हूँ। टॉर्चर के बदले इसने क्या चीज लेना प्रेफर की है? एक चीज लेके आई, एक ही चीज की कमिटमेंट थी, कमिटमेंट ही एक का था। मैं होती तो या तो आईफोन लेती या फिर एयरपोर्ट वगैरह। आईफोन वाली जगह पे नहीं लेके गई थी उसको। मैं होती तो एक डायमंड का प्यारा सा। यार कहाँ लेकर ही नहीं गई, जगह देखो कहाँ लेके गई है। चलो दिखा दो सबको कि क्या लेकर आई है। अनस्टिच कुर्ता लेकर आई है। एक्चुअली में ये मटेरियल बहुत अच्छा था, ला इसको समझ ही नहीं आ रहा था, कुछ अपनी पसंद से ये सिलेक्ट कर लिया। यार याद है मैंने एक कुर्ता शलवार कमीज पहनी थी रेड कलर की, वो यूंग वाले कट की, उस जैसा कुर्ता नहीं मिल रहा था, इसलिए मैम ने कहा था कि कोई अनस्टिच लूंगी ना तब लूंगी ये मटेरियल। बस मटेरियल क्या कपड़ा टॉर्चर सहने के बाद ये लूं कभी भी नहीं। अब क्या करें, जो हो गया हो गया, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। मैं इसकी शलवार कमीज बनाऊंगी ना, इनको दिखाऊंगी, जलाऊंगी इनको। अभी नहीं जले तब क्या जलेंगे ये बताओ। अच्छे वाले दर्जी से जाना सिलवाएंगे, टेंशन ना ले। होप सो यार कि आपको ये टॉर्चर वाला ब्लॉग अच्छा लगा। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड जल्दी से 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर दो।